नमस्कार। अग्रसेन महाविद्यालय के इस शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कवर्धा जिले के भोरमदेव मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों को इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल पर लाया है, ताकि उनकी जानकारियां समावेश हो, नई जानकारियां उन्हें प्राप्त हो और वो अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों को जाने और समझे। तो आइए, इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं भोरमदेव मंदिर का यह प्रांगण और यहाँ की ऐतिहासिक विरासत की कहानी को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने अनेक उपहार दिए हैं। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता यहाँ हर तरफ बिखरी हुई है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच यहाँ झरनों और घाटियों का मनोरम दृश्य प्रदेश के अनेक भागों में देखा जा सकता है। इन्हीं सुंदर नज़ारों के बीच यहाँ आस्था, इतिहास और पुरातत्व की ऐसी विरासत भी मौजूद है, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो मालूम होता है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान अनुपम वास्तुकला के आदर्श प्रस्तुत किए थे। इनमें मंदिर, स्मारक, महल और किलों के निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसी कड़ी में कवर्धा से करीब 18 किलोमीटर दूर चौरा गांव में स्थित भोरमदेव मंदिर इस पूरे क्षेत्र की विशेष पहचान है। लगभग 1000 साल पहले निर्मित भोरमदेव मंदिर और छेर की महल आज भी देश और प्रदेश में विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अग्रसेन महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने इस वर्ष अपने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान भोरमदेव मंदिर और आसपास के प्रमुख स्थलों का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने इस स्थान से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हासिल की। मंदिर परिसर में प्रदर्शित सूचना पट्टिका पर भोरमदेव मंदिर सहित अन्य निर्माण का ब्यौरा दिया गया है। भोरमदेव मंदिर का यह प्रांगण, जहाँ पर 3 मुख्य द्वार है और इस द्वार से आप गर्भगृह तक प्रवेश कर सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ तीनों मुख्य द्वार से भगवान शिव शंकर के गर्भगृह पर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अनुसार भोरमदेव मंदिर को सन 1089 ईस्वी में फणी नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि भोरमदेव गोंड जाति के आराध्य देव हैं। भोरमदेव महादेव का ही एक और नाम है। इसी आधार पर यहाँ के प्राचीन मंदिर को भोरमदेव मंदिर का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में गोंड समुदाय विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गोंड समुदाय के पूजनीय देवता का नाम भोरमदेव था। यहाँ के प्रमुख पुजारी के अनुसार भोरमदेव के राजा रामचंद्र देव की पत्नी अंबिका देवी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तब से ही यह स्थान भोरमदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। भोरमदेव मंदिर मैकल पर्वत समूह की गोद में स्थित है। इसके आसपास घने पेड़ों की हरियाली बहुत ही सुखद वातावरण का निर्माण करती है। नागर शैली में बने इस मंदिर को इसकी विशेष वास्तु शैली के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिथुन मुद्रा वाली मूर्तियां निर्मित हैं, जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। आलिंगन और प्रणय की भंगिमा वाली इन मूर्तियों के कारण ही भोरमदेव मंदिर की तुलना खजुराहो के प्राचीन मंदिर से की जाती है। वही मंदिर की स्थापत्य कला के कारण इसे उड़ीसा के सूर्य मंदिर की अनुकृति भी कहा जाता है। इस मंदिर परिसर में भगवान महादेव के साथ ही अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य प्रतिमा के रूप में शिवलिंग विराजमान हैं। साथ ही भगवान विष्णु, शिव, चामुंडा और गणेश की सुंदर प्रतिमाएं भी पत्थरों पर उत्कीर्ण की हुई हैं। गर्भगृह के सामने बने चबूतरे पर नंदी की प्रतिमा स्थापित है। अपनी अनेक विशेषताओं के कारण भोरमदेव मंदिर में साल भर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भोरमदेव मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित मड़वा महल भी कवर्धा का एक प्राचीन दर्शनीय स्थल है। मड़वा का अर्थ है शादी में लगने वाला मंडप। ऐतिहासिक कालखंड में वैवाहिक प्रसंगों से संबंधित होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। इसमें पत्थरों से तराशे हुए सुंदर 16 स्तंभ हैं। इन खम्भों के ऊपर ही ये मंडप बनाया गया है। भोरमदेव परिसर के सामने ही एक विशाल सरोवर है। यहाँ चारों तरफ हरियाली से सुंदर ढकी हुई पहाड़ी है। इस सुरम्य वातावरण में नौका विहार करना यहाँ सैलानियों को बहुत सुखद लगता है। भोरमदेव के महत्व से परिचित होने के लिए अग्रसेन महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने मंदिर सहित आसपास के प्रायः सभी स्थानों का भ्रमण और अवलोकन किया। महाराज अधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के कोषाध्यक्ष श्री अजय दानी ने कहा कि प्रयास किसी भी कार्य को पूर्ण करने की पहली सीढ़ी है।
बच्चे प्रयास नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रयास तो सब किसी कार्य को पूर्ण करने की वो पहली सीढ़ी है, जिसके बाद ही वो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बच्चे अगर प्रयास करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और बच्चों को प्रयास करते रहना चाहिए, इस बात की चिंता छोड़ के कि प्रयास के बाद सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। रही बात भ्रमण की, चाहे वो भूभ्रमदेव हो या छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे पर्यटन और तीर्थ स्थल हैं, घूमने लायक जगह हैं, जहाँ बच्चों को हमेशा महाविद्यालय की तरफ से ले जाया जाता है, ले जाया जाना चाहिए। जैसा कि पुराने ज़माने में हमने पढ़ा है कि राजा महाराजा या जो सक्षम लोग हैं वो देशाटन के लिए जाते थे, तो देशाटन का शाब्दिक अर्थ ही ये है कि वो देश भ्रमण के लिए जाते थे। और वैसे ही जब छात्र पढ़ते थे, चाहे द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, सतयुग की बात करें, तो बच्चे गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज गुरुकुल तो रहा नहीं, तो शिक्षा के बाद की जो गतिविधियां हैं वो इस तरह के आयोजनों से ही परिपूर्ण होती हैं, जहां शिक्षक, छात्र, सहपाठी सब अपने अपने जिनका जैसा कंफर्ट लेवल होता है उनके साथ उस तरह की चर्चाएँ करते हैं और इस तरह के आयोजन को सफल बनाते हैं। महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर वी के अग्रवाल ने छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण को अकादमिक रूप से महत्वपूर्ण प्रयास बताया। छात्रों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलापों का बहुत महत्व है, खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम मॉडल मेकिंग, शैक्षिक भ्रमण का भी इसका अपना स्थान है। यहाँ जाने के बाद छात्र आपस में कैसे रहना, कैसे देखना, कैसी चीज़ों का प्रबंधन करना सीखते हैं, और इसलिए शैक्षिक भ्रमण लगभग हर महाविद्यालय में किया जाता है। जगह चुनने के लिए कभी कोई व्यापार का स्थान हो, कोई कारखाना हो, कोई राजनीतिक स्थल जैसे विधानसभा आदि है, वैसे ही हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो हमारे स्थान है उसको भी चुना जाता है। पत्रकारिता विभाग के छात्रों की इस शैक्षणिक यात्रा को ज्ञानवर्धक बताते हुए प्राचार्य डॉक्टर युरेंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि इस तरह से छात्र अपने प्रदेश और देश के इतिहास से भी परिचित होते हैं। पत्रकारिता के छात्र शैक्षणिक भवन में भ्रमदेव गए थे। छात्रों का सर्वांगीण विकास करने हेतु हमारा प्रवेश महाविद्यालय परिवार हमेशा तत्पर रहता है, और शैक्षणिक भवन करवा के शिक्षा के दृष्टि से शैक्षणिक उन चीज़ों को उनको बताया जाता है, उनके विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण को व्यावहारिक अनुभव के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारिता के छात्रों को अपने प्रदेश के इतिहास से निश्चित रूप से परिचित होना चाहिए। अग्रसेन महाविद्यालय द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, ये हमारे महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का एक कैरिकुलम एक्टिविटी में शामिल है। हम इसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान मिले, और ये 2007 से लगातार पत्रकारिता विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। पत्रकारिता विभाग के प्रमुख प्रोफेसर विभास कुमार झा ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला है। पत्रकारिता विभाग की ओर से अग्रसेन महाविद्यालय के द्वारा हर साल एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है, और ये भ्रमण मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि पत्रकारिता के बच्चे सैद्धांतिक विषयों को पढ़ने के साथ साथ प्राप्त कर सके, और इसके तहत पिछले करीब 14 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर विद्यार्थियों ने भ्रमण किया है, और हर स्थान पर केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बच्चों ने बनाई है। भले ये फिल्म बहुत प्रोफेशनल या बहुत उत्कृष्ट स्तर की न हो, लेकिन बच्चे जो सीख रहे हैं उसकी सराहना निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो ये था हमारा सफरनामा, जहां पत्रकारिता और जनसंचार के विद्यार्थियों ने इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। निश्चित रूप से अगले ही किसी ऐसे ही शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में आप सभी के बीच हम एक बार फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।